हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आपको राजनीति का चक्कर हम दिखा रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं इसलिए हर पार्टी के नेता को अपनी गोटी फिट करनी है। देखिए गोटी फिट करने के चक्कर में क्या क्या करता है इंसान। वोट के लिए खुश करने के लिए नेताजी सारे कानून तोड़ रहे हैं और प्रचार के चक्कर में संक्रमण फैला रहे हैं। नेता मान ही नहीं रहे और बिहार में कोरोना विस्फोट में जनता कोरोना का शिकार हो रही है। आरजेडी विधायक शंभू यादव क्रिकेट खेलने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने गेंद की जगह नियमों को बाउंड्री पार पहुंचा दिया। नतीजा दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए एमएलए साहब, क्योंकि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ और नियमों को तोड़ने के आरोप में विधायक समेत 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। आरोप है कि विधायक साहब ने कोरोना काल में वोटरों को लुभाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की। विधायक साहब भूल गए कि बिहार में इन दिनों तेजी से बढ़ते कोरोना केसों की वजह से कोरोना विस्फोट के हालात बन गए हैं। या फिर इस उपेक्षित अस्पताल की तस्वीरें देखिए। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान के जिला अस्पताल की तस्वीर है, जहां बीमार पहुंच रहे हैं लेकिन डॉक्टर उन्हें छूने को तैयार नहीं। इलाज के अभाव में मरीज की मौत हुई तो परिजनों ने खूब हंगामा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मम्मी मेरी दादी जी हैं जो इनको कह रहे हैं लोग पटना रेफर करने के लिए कह रहे हैं लोग। कोई मरीज जा रहा है तो पटना रेफर कोई उल्टी कर रहा है पटना रेफर। अभी देखिए और डॉक्टर कहाँ गए लोग महाराज आपके साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत ये हम 3 घंटा से मरीज लेके आए हैं। इस पूरे मामले में तेजस्वी ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज सिंह ने पलटवार किया। 12 कर्मी ये सारे लोग डॉक्टर जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा कर यथासंभव जितना बन पड़ रहा है चुनौतीपूर्ण है और आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि दागी को दिखाई पड़ने में मुश्किल होता है। लेकिन वार पलटवार में ये नेता भूल गए कि कोरोना का सबसे ज्यादा कहर जनता भुगत रही है। कटिहार की घटना यही बताती है जहां बिना सैंपल लिए ही मरीजों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी गई। रजिस्ट्रेशन हो गया था वो कंप्यूटर में दर्शा रहा था कि रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन उसका जांच नहीं हुआ। 2 दिन तक इंतजार नहीं करने के बाद कंप्यूटर में कुछ ऐसा फीड है कि उसको नेगेटिव लोग शो कर देता। अगर पॉजिटिव नहीं किया गया तो उसको नेगेटिव जो। यही वजह है कि बिहार में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं जहां 24 घंटे में 1412 कोरोना के नए केस आए और कुल केस 26379 हो गए। उधर हालात काबू में करने के लिए स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में टीम दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। इससे साबित हो रहा है कि बिहार में सब ठीक नहीं है।